के पास यहाँ देख सकते हैं हसन जाने सो चुके हैं। ओके बस यहाँ देख सकते हैं हवा बहुत ठंडी ठंडी अच्छी हवा चल रही है, आज हवा अच्छी है, मौसम भी अच्छा है, धूप में बहुत तेज़ धूप थी तो इस टाइम हवा भी अच्छी है, बाहर बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं और अभी यहाँ पर पानी नहीं आया, बस पानी आने वाला है, शाम तक आ जाएगा। वैसे अपने पोर्शन में मेरे जान जानों को सुला दिया है, नानी वाला भी किस हो गई है, कल रात लोग गए थे शादी में तो लेट नाइट आए थे तो इसलिए अभी तक इनकी नींद पूरी नहीं, रात के 4:30 बजे आए थे शादी से तो चले मैं इसमें जा रही हूँ अपने पोर्शन में। और मोहम्मद ने क्या उठाया हुआ है, ये पोचे काला डंडा लिया हुआ इन्होंने, साथ में हाथ में मोबाइल लिए, पापा ले, और चले हम चलते हैं अपने पोर्शन में। चले जब भी हम अपने पोर्शन में नहीं पहुँचे मोहम्मद के लिए, पहले मम्मा में फिर आप तो अभी तक मैं अपनी सीढ़ियों पर ही खड़ी हूँ मोहम्मद की वजह से, अब ये जनाब उतरे तो फिर मैं नीचे रूम में डोर लॉक अनलॉक करें। ओके आप आ जाएं, आ जाएं, आओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, भी ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मंडे वर्किंग डे होता है, फर्स्ट डे होता है अब तक। तो चलिए जी, मैं इस टाइम इनके पापा तो चले गए काम पर, मैं इस टाइम आ चुके हैं हम लोग अपने पोर्शन में, यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं है, अभी मैं जा रही हूँ बैटरी वगैरह ऑन कर दी हूँ। और मोहम्मद यहाँ पर पोछे का डंडा भी लेके आ चुके हैं, साथ में पापड़ लिए अपने खाला से और एक हाथ में इनके पास मोबाइल है। चलिए जी, मैं लाइट वगैरह ऑन करती हूँ, अपने पकाने का भी लेके आ चुकी हूँ और फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और जान पापा इनके नानों के पास चले, और देख मेरे बेड पर पैंपर बिखरे हुए, अजान अजान मोहम्मद पैंपर का पूरा पैकेट लेके बैठे रहे थे, पूरे पैंपर बिखरे थे, मैंने सारा समेटा। ओके वैसे लाइट वगैरह मैंने यहाँ पर ऑन कर ली है, पंखा मोहम्मद ने कहा बंद कर दो, चलो मैंने पंखा बंद कर दिया, मेरा बेटा जो बोलते हैं वो करती है, नहीं तो गुस्सा हो जाते। ये देखो उन्होंने करा क्या करा, किचन में गए पानी लिया कूलर से, फिर उन्होंने पानी गिराया, फिर पोछा मारा, क्योंकि पानी पोछा वहीं लगाया जाता है जब पानी गिरा हुआ, इसलिए मोहम्मद ने पहले पानी गिराया, अब यहाँ पर पोछा लगा रहे हैं। चलें जी, मोहम्मद यहाँ पर पोछा लगाते हैं और जब तक मैं जा रही हूँ किचन में अपने खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन और भिंडी, मेरे पास कुछ यहाँ भिंडी रखी हुई थी तो यहाँ मैंने सोचा चलो मैं चिकन और भिंडी बना लेती हूँ। यहाँ मेरे पास 250 ग्राम चिकन है, फ्रिज में रखा था, फ्रिज से निकाल दिया, इसको नीचे तक आधा घंटा हो चुका है। और इसके साथ मैं ली हुई ये कुछ और जिनमें भिंडी लाई थी, तो मैं भिंडी का सालन बना लिया था और उसी दिन काट के वॉश करके रख दी थी सुखा के भिंडी को, ये मुझे कुछ ख़राब लग रही थी, इसको मैं निकाल के साइड पर कर देती हूँ। तो इसके लिए मैंने प्याज ली हुई है, तो बात आ गया प्याज ली हुई है एक अदद मैंने बड़े साइज़ की, और लहसुन है यहाँ पर एक अदद, टमाटर है और 7-8 यहाँ पर हरी मिर्चें हैं, और यहाँ पर जो ड्राई मसाले होते हैं वो 4, और नमक हल्दी लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया लिया हुआ है, और जो खड़ा गर्म मसाला होता है इसमें मैंने ये सारी चीज़ें ली हुई हैं, बड़ी इलायची है, ये जो दालचीनी लौंग काली मिर्च ये सारी चीज़ें हैं, और टमाटर मेरे पास एक ही है, कल मैं बाजार नहीं गई थी, कल हम ऐसे बच्चों को लेकर बाहर चले गए थे तो इसलिए मैं हम तो टमाटर सही मिल रहे थे 50 के 2 किलो, तो हमने बहुत सारे टमाटर ले के रिफ्रीजर कर दिए, फिर इस पर हमने इसकी टमाटर की प्यूरी बना के छोटी छोटी छोपड़े करके रख दी थी, तो अभी टमाटर कम लगे तो देख लो अभी ये सहूलत हो गई। इनके पापा भी नहीं है और मम्मी वालों के पास भी अभी नहीं थे टमाटर, वरना मैं उनसे ले लेती हूँ, उनसे ले लेते हैं, इस तरह हम लोगों को चलता रहता है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं छोटी सी एक शॉपर लेके आ गई और अब मैं इसको यूज़ कर लूँगी क्योंकि टमाटर मुझे कम लग रहा है। तो चलिए जी, इस तरह आप लोग भी बना के रख सकते हैं, तभी इमरजेंसी में काम में आ सकती है। और यहाँ पर मैं अब जल्दी से यहाँ पर अदरक लहसुन पेस्ट बनाऊँगी, और जान जानो सोच चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी से चिकन और भिंडी रेडी कर लेती हूँ, और लाइट भी नहीं है तो चलें जी, अब मैं मसाला वगैरह भून के फिर मैं दिखाती हूँ। मोहम्मद यहाँ क्या कर रहे हैं, पानी के साथ पापड़ बना रहे हैं। चलिए जी, मोहम्मद यहाँ पर पापड़ और पानी इंजॉय करते हैं, हम जब तक मज़ेदार सी चिकन और भिंडी रेडी करते हैं। मोहम्मद मोहम्मद का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है ना, मोहम्मद हाय स्वीटी, मोहम्मद इनके पापा को इनके स्टाइल बहुत पसंद है। ओके बस यहाँ देखिए, मैं किचन में थी, सब्जियाँ कटिंग कर रही थी, मसाला वाला पीस रही थी, देर में मोहम्मद ने किचन का सॉरी बेड का क्या हल कर दिया, पूरी पानी की बोतल ली और यहाँ पर इन्होंने पानी की बोतल गिरा दी और साथ में अपने आप को पूरा भिगो दिया, ये हल करते हैं, ज़रा सीधे मोहम्मद को ना देखें तो मोहम्मद पूरा घर का काम तमाम करके बैठ जाते हैं। तो चलें जी, पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है और टमाटर भी कट कर लिया, मैं इसमें ये प्योरी ऐड करूँगी, चिकन मैंने दोबारा से वॉश कर लिया, हालांकि मैं वॉश करके रखती हूँ, जो भिंडी पड़ी थी इनके मैं दो इस तरह पीस कर लिए, और प्याज लाल हो चुकी है, मैंने आँच बिल्कुल स्लो कर दी है क्योंकि मैं मोहम्मद को देखने चली गई थी। सरफ गरम मसाला डाल के और इनके साथ मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है,
तो चलिए जी, आप ये सारे स्पाइसेस वगैरह वो उसमें ऐड कर देती हूँ और जाके फिर मोहम्मद को चेंज वगैरह करवाती हूँ मोहम्मद ने क्या हालत की हुई है। और यहाँ पर असर की अजानें भी हो चुकी हैं, 6 में से 25 कम है। निकलो कह रहो कि नहीं कह रहो, मोबाइल वहाँ छुपा दे करे मैं माँ और मोबाइल वहाँ छुपा। ठीक है जी, मोहम्मद को चेंज करवा दिया। मोहम्मद को पता नहीं क्या है, इस दरवाजे की कुंडी के पीछे पड़ गए, रोज़ इन्हें निकाल के बैठ जाता। इनके पापा इनको आके बताएंगे, पापा डांटी करना। चलिए यहाँ बेड वेड साफ़ किए, यहाँ पर बेड पर मोटा कपड़ा बिछा दिया है, पानी खुद ही खुश हो जाएगा, लाइट आएगी तो पंखे चले गए। इस तरह मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं, एक जगह काम करते हैं दूसरी जगह बिखेर के रख देते हैं मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए प्याज हमने चूल्हा बंद कर दिया था और प्याज यहाँ पर हो चुके हैं ब्राउन। और यहाँ पर चलिए मैं मसाला ऐड कर देती हूँ। मोहम्मद तो गर्मी अंधेरा, ऊपर से मोहम्मद मुझे इतना सताते हैं। और साथ में जो टमाटर प्यूरी, ये मैंने इतने 3 चम्मच निकाले हैं क्योंकि बहुत सारे टमाटरों का बना होता है ना, तो 3 चम्मच इनफ है। बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा टमाटर का टेस्ट, पर अच्छा नहीं लगेगा। मैंने टमाटर की इसकी प्यूरी ऐड कर दी और मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो मोहम्मद को देखूँ, फिर मोहम्मद कुछ कर रहे हैं। मुझे मोहम्मद से आजकल बड़ा डर लगने लगा, बाहर भी निकल जाते हैं। मोहम्मद करो कह रहे वरी जल्दी से कुंडली नानी डाटी करनी। ऊपर भी जाते हैं नानी घर में बहुत सताते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ अलग मुझे तंग करते हैं। और गर्मी है, सोते भी नहीं है। अब जा रहे हैं इस रूम में कुंडली लगाने के लिए। मोहम्मद की हरकतें चेक करें, कभी उतर किसी रूम में बाहर भी चले जाते हैं, इसलिए मैं उनको अपने साथ किचन में उठाई रखती हूँ। मसाला मैंने अच्छे से भून लिया इतना और सेपरेट होने लगा था, फिर इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन के बड़े पीस लेना तो गर्मी में टाइम लगता है, इसलिए मैंने फ़ौरन से ऐड कर दिया, क्योंकि भिंडी तो फ़ौरन से गल जाएगी। आलू होती तो चलो, आलू होते हैं तो चलो 2-5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन भिंडी तो फ़ौरन से गल जाएगी, भाप में गल जाती है भिंडी। और चिकन के बड़े पीस इनको गलने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने फ़ौरन से चिकन भी ऐड कर दिया। चिकन डालने से फ़ायदा हो गया, टमाटर जल्दी मैश हो गए, मतलब मसाला जल्दी से मेरा भून गया। और ये बचत भी है टाइम की भी, क्योंकि मेरे बच्चे जिस तरह हैं मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया। मैंने इतना प्यूरी बना कर रख दी, प्यूरी कल मुझे मम्मी ने बना के दी थी, सिस्टर ने मम्मी ने और सिस्टर ने छोटे छोटे शॉप पर बना के सर्व कर दी, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं ना, तो इसलिए मम्मी मेरा ये छोटा मोटा काम निपटा देती हैं, सिस्टर और मम्मी हों तो माशाल्लाह से। बस अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें भी आसान करे और मेरी माँ को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, तो माँ है तो मेरी ये सब कुछ है दुनिया में। तो चलें, ये मसाले में अच्छे से भून रही हूँ, नमक भी पहले ऐड कर दिया था। और वैसे भी पाकिस्तान है कराची, यहाँ पर आलू प्याज टमाटर और प्याज के रेट तो कभी भी हाई हो जाते हैं, तो इसलिए चीज़ें हमें छोटी मोटी सेव करके रखनी चाहिए। और एक नज़र में देखती हूँ मोहम्मद को, मोहम्मद कहाँ तक पहुँचे, मोहम्मद क्या कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद को ना देखें, चलें माशाल्लाह से मेरे पीछे खड़े हुए हैं। और कुछ तो नहीं क्या होगा, यहाँ पर सारे इन्होंने बिखरा के ड्रॉस खोल दिए और ये सारी चीज़ें फेंक के नीचे आ गए। और किचन लाने के साथ हमने चूल्हा भी बंद कर दिया, ये होते हैं मोहम्मद के काम। चलिए जी, मैं चिकन को और भी मज़े अच्छे से भून लेती हूँ 2-5 मिनट, तो इसके बाद मैं 1 कप पानी ऐड करके इसको ढक्कन लगा दूँगी ताकि चिकन गल जाए। और इतनी देर में मैं असर की नमाज़ अदा कर लूँगी और आटा गूंथ के रखूँगी। तो अजान जानू सुबह अजान जाना माशाल्लाह से मज़ीद मुझे तंग करते हैं। चलें जी, बच्चों से घर की रौनक, अल्लाह पाक मेरे घर की रौनक को सलामत रखे और मेरे शौहर की हमारी मुश्किलों को अल्लाह पाक आसान करे। ओके बस, यहाँ पर मोहम्मद रोटी पकाते हैं, मैंने इससे रोटी पकाना शुरू की। मोहम्मद भी आ गए किचन में, क्योंकि मैं इनको अपने पास रखती हूँ किचन में, मैंने सीढ़ियाँ उतर के बाहर भी चले जाते हैं। तो चलें जी, मोहम्मद यहाँ पर रोटी बना रहे हैं। मोहम्मद ने आज एक नया काम शुरू कर दिया, इससे रोटी बना लिए, देखें रोटी का क्या हल कर रहे हैं, रोटी बना के खुद ही खा रहे हैं। चलें जी, अलहमदिल्ला आज मेरे मोहम्मद ने रोटी बना ली। मोहम्मद रखो यहाँ पर, रखो इतने। चलें जी, मैंने यहाँ से सारा किचन वगैरह सब कुछ समेट लिया और रोटी भी मैंने बना ली है, क्योंकि कमरा फिर बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने जल्दी से रोटी बना ली। और यहाँ पर ये मिर्ची मैंने दम पर रखी है, अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। बस अब डिश आउट करके दिखा रही हूँ, साथ में मोहम्मद को चेक करते हैं मोहम्मद कहाँ है। मोहम्मद यहाँ पर मेरे दोनों जूते लेके बैठे हुए थे, अब ये वाले पहन रहे हैं, अभी ये वाले पहने थे, अब इनको उतार के दूसरे वाले मोहम्मद ट्राई कर रहे हैं। जूतों का बका रखा हुआ है देखें ऊपर, और कपड़े की टोकरी का ढक्कन यहाँ पर आया हुआ है। ये होते हैं मेरे घर का हाल।
और इस टाइम हो रहे हैं 6:30। तो तकरीबन मेरा सारा काम हो चुका है और मोहम्मद की आदत बहुत बुरी है या अच्छी बोल सकते हैं। मैं खाना बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, मोहम्मद जाके फ़ौरन से बाहर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि कोई इनके घर में ना आ सके। होता है क्या मसला इनके साथ, ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हालाँकि मैंने रोटी बनाई ना तो पूरा कमरा, मैंने रोटी की तो खुशबू भी हो रही है, दूसरा ना इसका धुआं बहुत होता है तो पूरा कमरा भर रहा है धुएँ से। और वहाँ पर ऊपर अजान जान उठ चुके हैं तो अब बस मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, फिर मैं ऊपर जाती हूँ मम्मी के पोर्शन में। और मुझे गर्मी भी बहुत शदीद लग रही है, देखिए मोहम्मद अब यहाँ का भी दरवाज़ा बंद करें। मुझे लगता है अजान नीचे आ रहे हैं, अजान की मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे अजान जानों की आवाज़ आ रही है। अजान का भरोसा नहीं, उतर के नीचे भी आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ठंडा हवा ऐसी लग रही है, ठंडी ठंडी इतना अच्छा लग रहा है। चलें जी अब मैं जा रही हूँ, जल्दी से डिश आउट करके दिखाते हैं, फिर फ़ौरन से मैं भी जाती हूँ के पोर्शन में। ऊपर हवा होगी, यहाँ पर हवा नहीं है बिल्कुल भी, ऊपर लगेगी। फिर से इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। चलें जी चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मेरी आज की चिकन और भिंडी की डिश हो चुकी है रेडी। आप लोगों ने देखा मोहम्मद ने मुझे कितना तंग किया, कितना परेशान किया। छोटे बच्चों के साथ कुकिंग करना तो वैसे ही बहुत मुश्किल होती है, मैं तो कर रही हूँ साथ में व्लॉगिंग क्योंकि मेरा शौक है, कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं। और मेरे हस्बैंड जी की तरफ से मुझे किसी बात की कोई रोक टोक नहीं है, इन्होंने कहा ऐशा आपकी लाइफ है, जिस तरह आप चाहें लाइफ जो इन्जॉय करो। मेरी तरफ से किसी बात की पाबंदी, किसी चीज़ की नहीं, एवरीथिंग किसी बात की ना उनकी तरफ से पाबंदी नहीं है। मैं अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी सकती हूँ, माशाल्लाह इतना हक मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया हुआ है। और माशाल्लाह वो मेरा बहुत साथ देते हैं, बहुत मुझे हर जगह मुझे सपोर्ट भी करते हैं। कभी किसी बात पर मैं जैसे नाम ही तो ज़्यादातर ये नहीं हो सकते, ये कहते हैं नहीं क्यों नहीं हो सकता, हर चीज़ हो सकती है दुनिया में। बस जी चले जी, अल्लाह पाक मेरे शौक, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दें, इनकी जो मुश्किलें अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करें। चले जी हमारी झटपट सी चिकन और भिंडी की डिश हो चुकी है रेडी। और मेरे हस्बैंड की फेवरेट मिर्चें, इस तरह सालन का चूल्हा बंद करने के बाद 2-3 मिनट रख के उनको दम दे दो, इस तरह की मेरे हस्बैंड को मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं तो बहुत शौक से भी खाते हैं। तो ओके गाइज, आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, आप लोग ज़रूर बनाएगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। ओके गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी मम्मी की फैमिली को। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं मोहम्मद की तरफ, मोहम्मद ने फिर क्या नया काम अंजाम दिया है। चलें जी अब मैं जा रही हूँ बाहर का, जल्दी दरवाज़ा खोलो, कमरे में इतनी घुटन और कोई गर्मी हो रही है और मोहम्मद है ना दरवाज़ा बंद करके फ़ौरन से बैठ जाएंगे। चलिए जी हम जल्दी से बाहर का दरवाज़ा खोलते हैं, यहाँ पर कुछ हवा तो है। और अभी मैं चाहूँ अपना दरवाज़ा बंद कर सारा काम अगर मैंने निपटा लिया। चले जी मोहम्मद जा रहे हैं ऊपर, मोहम्मद के यहाँ पर नजर आ गया पोच वाला यहाँ पर डंडा जहाँ पर रखा हुआ था दोपहर में रख दिया था, इसलिए फिर मैंने उठा लिया। अब मैं जा रही हूँ मम्मी का पोर्शन में, देखो मेरा अजान क्या करें, अजान की बने की मुझे आवाज़ आ रही है। चलते मम्मी का पोर्शन, मम्मा हलो चलिए जी मोहम्मद के काम चेक कर, मोहम्मद ने कहा था बिस्किट पकड़ा एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में मोहम्मद ने पोछा लिया हुआ है। तो चले गए मोहम्मद जा चुके हैं, मोहम्मद के बाद अब मैं जाऊँ, फिर मोहम्मद मैं चली गई तो मोहम्मद रोएंगे और साथ में अजान जानों की रोने की आवाज़ आ रही है। अजान नानों के पास अजान, अजान जानो मेरी गोद में है, अजानी अजान अजान को ये लग रहा है कि मैं नीचे जा रही हूँ। अजान हाय शूटू। चले जी मैं ऊपर आ चुकी हूँ अपने मम्मी के पोर्शन में, अजान मुझे यहाँ पर टाटा कर रही है, कह रहे हैं मम्मा बाहर जा रही है। और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी बहुत प्यार हो रहा है यहाँ पर और ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको कैप्चर कर लेती हूँ। और जब भी मेरे साथ अच्छा लग रहा होता है, इस तरह का व्यू हो रहा होता है, मैं फ़ौरन से कैमरा उठाती हूँ और रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बाहर रौनक भी बहुत है। और यहाँ पर इंडियन अपने घरों को वापसी जा रहे हैं, लगभग जा चुके हैं, बस कुछ रह गए हैं, वो दूर दूर से नज़र आ रहे होंगे, बस कौओं की बोलने की आवाज़ आ रही है। और अजान भी नीचे झुक के देख रहे हैं और सूरज ग्रुप हो चुका है। चले अजान, हाय स्वीटी अजान, अजान या मोहम्मद की कॉपी करते हैं, वॉन कैमरा मंगा के करो हूँ करके मुँह घुमा लेंगे। और यहाँ देखिए टॉप में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। चले जी कितना प्यारा मौसम हुआ है, जल्दी से लाइट भी रखा, लाइट भी बोटी फंसी है पापा मुँह में, मुँह अपने पापा के मुँह से बोटी निकलते हुए। और अजान जान वहाँ पर बैठे हुए हैं नाराज होके, मोहम्मद अजान बस हाँ पाँव अंगूठा चूस रहा है पीछे ना गिरे। मैंने क्या ना इसी तरह, ये भी इस तरह कर रहा है सर, अच्छा पानी निकाल दो ना बस कंप्लीट है भैया पापा।